फिर बाबा जी से लेकर पढ़नी बढ़ते बढ़ते जब मिथिला में पहुंचता नहीं और राजा जनक के पता लागल कि विश्वामित्र जी अपन दूगो छीला लेके पहुंचल बा ब्राह्मण लोग के मंडली लेके अगुवानी करे ब्राह्मण लोग के दल लेके ले। भैया के तरफ से पुरस्कार मिलल हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा प्रणाम बा रुक जाए अब रामो के रामो ले बढ़िया कौन चीज होला हम कहत तनिका ये दुकाना के दुकान में मोछ या मन उकुली हम काम ना करिले ई जन गीत गले बा सर्व आदमी के जमल होइए ना बताई है मोछ कहां के कहां जमा देले बा ओकरो माई के तो जी जमल होइए पैसा खाती पूछो थोड़ी हम पर है पैसा का विषय ना पैसा हम कमाते हैं हमें पैसा नहीं कमा सकता है पैसा हम पैदा करते हैं हमें पैसा पैदा कर सकता है भगवान उधार करके पहुंचल वाली मिथिला में राजा जनक के पता लगल बा कि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण लेके आ रहल बानी त पूरा ब्राह्मण के मंडली ले जाके अगुवानी कह के कहे कि हे मुनिवर दंडवत चलल जा आलिया के मिथिला में अब बगीचा में स्थान दिया गया काहे कि साधु महात्मा चौकी पर खटिया पर ना बैठे वो बाग बागवानी में रहे राम लक्ष्मण के जब देखले राजा जनक तो कहले कि बाबा हम एगो चीज पूछे के चाहते ई दुनु बालक के है काहे कि ई सब लोग चिट्ठी करे अयोध्या में आ गए आ राजा यदि जनते जे अयोध्या के लड़का हम सब तो भड़क जाते सब राजा के पार्टी करे के अयोध्या में आ गए ऐसे के अयोध्या में वो डोम इतना बलियार रहे तो जनक जी के चिंता रहे जे राजा को हिनाया के आ डोमो के भेज दे तो डोमो तुल दे जो ऐसे जी पार्टी हम ना भेज पार्टी ना भेज कल के बाबा ई बबुआ लोग के ह विश्वामित्र जी कहते कि हे राजा ई लड़का ई लड़का राजा दशरथ के अरे ललना ए राजा अरे आई पालो कहले कि राजा आए हमारा चेला अधेश यादव एंड अधेश अलबेला लोग कहला तेरे को हमारा छोट भाई की तरफ से पुरस्कार एक हाली को मिल रहा ही राजा
कितना सुंदर है लड़का बाला, आराम कैया, विश्राम कैया। अब गुरु जी विश्राम करता नहीं, चेला लोग पाँव दबाओ था। अगर असलियत पूछी चाचा ना, तो गुरु के चेला से पैर ना दबाओ के। अगर रामचरित मानस के माना था नहीं, तभी विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण से पाँव ना दबाओ उसका जी। ना 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 ना, गुरु से, गुरु के चेला से पाँव ना दबाओ। शिक्षा शिक्षा दी हर बार आगे बढ़े के अपना स्व खातिर ना उनका मुक्ति हो गया। बराबर बन देता रहे आओ जान जाइए। विश्राम बगीचा में जो करता रात भई सुबह जब भई तब मुनि जी कहने के राम पूजा के वक्त होता, पूजा के वक्त होता है, एगो काम कर रहे तब तक ले राम जी कहते लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी कहते रहे राम जी से कि भैया ई मिथिला तनी देख जाए कि कैसन बा, राजा कैसन बड़े धनुष कैसन बा, कहाँ धोई बा, कहाँ धोई मन बा राम जी के घूमे के, मन बा राम जी के जनकपुर देखे के, बहाना मार दे तारे के गुरु जी लक्ष्मण जी कहते कि तेरे भैया चलो ना घूमा देखा जाए। ऐसे देहात में लोग किस्सा कहला लड़कवा के भागे लड़पुरिया जिए ली, जाना मेहरान के जिलेबी खाए के मन करी ना, अपने खाए के मन करते भैया सुनता नहीं, रोज जाता नहीं भाथुआ जिलेबिया चौक पर, थोड़े जिलेबी का ही लेके ले आओ बबुआ रोज झगड़ा करता। अच्छा से को कौन गेल भाई का लईकावा के भागे लड़पुरिया जिए ली, राम जी का मन में मिथिला देखे के, राम जी कहते कि बाबा आदेश होई से लक्ष्मण के मिथिला घुमा के हम लेके आ जे थी खलबा नाथ लखन जानते बने सब जाने वाले बने के राम ले जाए लक्ष्मण के ले जाए जरा फिर दिखा के फिर समय से आज हेलो सब तरह के देख लिया हेलो देखवा दी हेलो ये जी के लोग क्वेश्चन बात। जब राम लक्ष्मण गांव में ढूंढा तरह जनकपुर में, जनकपुर में ढूंढा तरह लड़का जब जनकपुर के देख रहे अरे बाप रे किया, अरे वो देख रही कितना सुंदर लड़का। राम लक्ष्मण से जाकर लड़कवा कहता से बाबू ए चल ना होने जिलेबी के दुकान पर, हमने के संग रहब लो, हमने से दोस्ती करब लो। लक्ष्मण कहते भैया बड़ा प्रेमी लड़का वाले से औरत देखो तारी से जाना डगर से जाता के माड़ी खोल खोल के झाकत से अरे बाप रे बाप, राजा जनक प्रतिज्ञा कर बन के जे धनुष त्रिका से बियाह करो राजा प्राण छोड़ देते। अगवा सवार का बेटा हुआ जाता उकरे से सीता के शादी करते तो धक्का तरह देता एगो कहते कि चुप रह कतना बड़ बड़ योद्धा को लिया ही बड़े ये लड़कों से धनुष कुटे मारते I'm
धनुष कैसे तोड़ी है ना सकेल से छोड़ा ना ध्वंस का पर छोड़ दे जोड़िए न लगाओ बाबा स्वर्गू से शादी तो बबनी के कतना तक दूर बोल अमार गली गली से घूमा चलो दरवाजा खुल खुल के मेहराड़ू झाकर दई छ बबुआ अयोध्या से पहुंचल बालू जनकपुर कवि के कहना बा दुलास नकार मनोज तिवारी जी एक संचय पुरस्कार जन में हार्दिक स्वागत करते हैं। अब नगर घूम के सफरा कर देख के देखा के दोनों भाई आ गए हैं।